अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और आने से पहले तमाम मुद्दों पर इंडिया टुडे से खास बातचीत की है। ओबामा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मोदी के विजन और उनकी नीतियां दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से पहले इंडिया टुडे ग्रुप ने उनका मन टटोला है। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से शेखर गुप्ता ने उनका इंटरव्यू किया और भारत अमेरिका के बनते और बदलते रिश्तों पर लंबी बातचीत की। साथ ही ये भी पूछा कि नए प्रधानमंत्री मोदी से उनकी क्या आशाएं हैं। आप मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? भारत को कौन सी बड़ी चीजें हासिल करनी है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एकदम साफ है। मैं उनकी ऊर्जा से खासा प्रभावित हूँ। मैं इस बात से भी प्रभावित हूँ कि वो विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले मुद्दों को फौरन दूर करने के लिए तैयार हैं। ओबामा मानते हैं कि भारत और अमेरिका सहज रूप से एक दूसरे के सहयोगी देश हैं। दोनों देशों के लोकतांत्रिक डीएनए में समानता है। क्या दोनों देश बीते वक्त की भरपाई कर पा रहे हैं? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते 21वीं सदी के लिए नजीर बन सकते हैं। हम नेचुरल पार्टनर हैं, हम दो लोकतंत्र हैं, दो उद्यमी समाज हैं, हम दोनों आविष्कार, विज्ञान और तकनीक में दुनिया के अगुआ हैं। भारत सामरिक रूप से अहम जगह पर स्थित है, जिसे देखते हुए हम एशिया पैसिफिक में अपनी साझा सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत के विकास के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, किस तरह से सहयोग को आगे बढ़ा सकता है, इस पर ओबामा मानते हैं। भारत अमेरिकी रिश्ते में बेहतरी के लिए क्या जरूरी है? अमेरिका की कंपनियां भारत में आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, जिससे भारत के विकास की रफ्तार तेज होगी। हम साफ हवा, पेयजल और ज्यादा बिजली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों में मदद कर सकते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनने का न्योता क्यों स्वीकार किया, तब भी उन्होंने यही कहा कि दोनों देशों की संरचना एक सी है, जिसे सहयोगी के तौर पर बहुत बेहतर करने का मौका आया है। क्या रिश्तों की मजबूती में गंभीरता जरूरी है? मैंने भारत की संसद में जो विजन रखे थे, मुझे लगता है कि उसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। भारत और अमेरिका सच्चे मायने में ग्लोबल पार्टनर हैं। शायद यही वजह है कि मैंने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का न्योता स्वीकार किया। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के लोगों के साथ समारोह में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार है।